दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आप लोग को एक विशेष प्रकार की अद्भुत ताकत का खजाना औषधि बेललता से परिचित कराने वाला हूं और उसके जो औषधि प्रयोग है, खास औषधि प्रयोग है, उसे आप लोग को बताने वाला हूं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और लास्ट तक जरूर देखिए, जरूरतमंद को शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों इस वनस्पति को देख करके आप अच्छे से पहचान लीजिए, क्योंकि यह आसानी से बरसात के मौसम में मिल जाता है। सड़कों के किनारे की झाड़ियों में चढ़ा होता है या जंगलों में झाड़ियों में जिस तरह से अभी चढ़ा हुआ लगा हुआ दिख रहा है, उस तरह से आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगा। तो इसके पत्ते देख लीजिए, इसके तने देख लीजिए, इसके पूरी जो बेल लता फैली हुई है उसे देख करके पहचान लीजिए और कभी भी ज़रूरत पड़े तो इसका प्रयोग कर लीजिए। इसका जो औषधि प्रयोग है मैं आप लोग को अभी जो बताऊँगा इसका प्रयोग, तो आप भी इसके दीवाने हो जाओगे और ढूंढ ढूंढ करके खाना शुरू कर दोगे, प्रयोग करना शुरू कर दोगे। चलिए जानते हैं विस्तार पूर्वक इसके कुछ महत्वपूर्ण औषधि प्रयोग। सबसे पहले मैं आपको इसका नाम बता दे रहा हूं, तो इसे बहुत से भाषाओं में तो अलग अलग नाम है इसके बहुत सारे, लेकिन मैं आपको इसका जो मुख्य नाम है उसी को बता दे रहा हूं। इसका मुख्य नाम है वाराही कंद, क्योंकि इस नाम को संस्कृत में भी, हिंदी में भी, उर्दू में भी कहा जाता है, तो वाराही कंद इसका मुख्य नाम है। और वाराही कंद इसका नाम क्यों पड़ा है इसे भी मैं आपको बता देता हूँ। जंगलों में जो जंगली सुअर होता है ना, जिसे वाराह बोलते हैं, तो उसी के जो शरीर में रोएं पाए जाते हैं, रेशे पाए जाते हैं, उसी तरह से रेशे इस पौधे के, इस बेल लता की जो कंद होता है उसमें भी पाया जाता है। इमेज में आप लोग देख सकते हो इसका कंद इस तरह से होता है, तो इसी के चलते इसका नाम वाराही कंद रखा गया है प्राचीन ऋषि मुनियों ने। तो यह वाराही कंद मधुर, कटु, तीक्ष्ण, उष्ण, लघु तथा वात कफनाशक होता है। इसके प्रयोग से मधुमेह और कुष्ठ कृमि विष तथा मूत्र कृच में फायदा होता है। यह दीपन, पाचन, पित्तवर्धक और आयुवर्धक भी है, बलकारक, शुक्रवर्धक तथा रसायन है। दोस्तों मैं आप लोग को अब औषधि प्रयोग इसका बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए और अच्छे से प्रयोग कर लीजिए। अगर किसी को कुष्ठ रोग है तो मात्र इसके पत्ते का रस निकाल करके कुष्ठ में हर दिन लगाने से कुष्ठ रोग बहुत जल्द समाप्त हो जाता है। अगर किसी को पुराना से पुराना घाव है और वह जल्दी ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आप एक बार इसे ट्राई कर सकते हैं। इस वाराही कंद की जो कंद है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए और काटने के बाद सुखा करके उसका पाउडर बना लीजिए और उस पाउडर जहां भी आपका घाव है, फोड़ा है, फुंसी है, चर्म रोग है, उस पे लगाइए। कुछ दिनों में आपको उस घाव के दर्द से और घाव से मुक्ति मिल जाएगी। अगर किसी को बवासीर है तो वाराही कंद का चूर्ण सुखा करके बना लीजिए और उस चूर्ण में बराबर मात्रा में मिश्री मिला करके सुबह शाम सेवन कीजिए। इससे आपका बवासीर में बहुत फायदा होगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर किसी को प्रमेह की समस्या है तो चावल का जो धोवन होता है, चावल पकाने से पहले जो चावल को धोते हैं, तो उस धोवन के साथ इसका कंद का पाउडर मिला करके सुबह शाम पीजिए, इससे आपका प्रमेह रोग ठीक हो जाता है। अगर किसी को पाचन शक्ति तीव्र करना है, कमज़ोर पाचन शक्ति है, तो वाराही कंद का काढ़ा बना लीजिए और 15 से 30 ml की काढ़ा में 1 ग्राम मुलेठी का चूर्ण मिला लीजिए। मुलेठी आपको पंसारी के यहाँ से मिल जाएगा आसानी से, उसी में 5 ग्राम की मात्रा में मिश्र मिला लीजिए और इस तरह से वाराही कंद का काढ़ा में 1 ग्राम मुलेठी और 5 ग्राम मिश्र मिलाकर पीने से पाचन शक्ति इतना तेज होगा कि आपको हमेशा भूख लगता ही रहेगा, जो भी खाओगे कुछ घंटों में ही हजम हो जाएगा। और अगर किसी को पूरे शरीर में किसी भी प्रकार से सूजन है, जलन है, तो आप वाराही कंद के चूर्ण को शहद में मिला करके दिन में 2 से 3 बार खाइए। इससे आपके शरीर के अंदरूनी सूजन या बाहरी सूजन जो भी है ठीक हो जाएगा। दोस्तों अब मैं आप लोगों को हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो इस वाराही कंद का प्रयोग करते हैं उस प्रयोग को आप लोग को बता रहा हूँ। जब इसमें कंद आता है तो गांव के बहुत सारे जो जंगली एरिया के रहते हैं आदिवासी, वे लोग अपनी फावड़ा, कुदाल, हथियार लेकर के जंगल में चले जाते हैं और इसको खोद करके ले आते हैं, बहुत सारा खोद खोद करके ले आते हैं, बोरी में पकड़ पकड़ के लाते हैं और ला करके उसकी जो ऊपर का
रेशा होता है उसे निकाल देते हैं और उसे छोटे छोटे काट करके सुखा करके भी रख लेते हैं और उसको प्रतिदिन अपनी जो भोजन के खाने की जगह पे वे लोग इसी कंद को खाते हैं। तो किस तरह से खाते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसको जंगल से लाते हैं और रात भर बहते हुए पानी में यानी झरना में नदी में टोकरी में रख करके अंदर में डुबो करके रख देते हैं और सुबह उसको निकाल करके उसे उबाल करके खाते हैं। इससे उनका शरीर में कभी कमजोरी नहीं आता और वे लोग अपने शरीर को हमेशा फिट रखते हैं इस कंद को खा करके। तो आप भी इस तरह से अपनी ताकत को बढ़ा सकते हो और कमजोरी को भगा सकते हो। और जो लोग इस तरह से नहीं कर पाएंगे नहीं खा पाएंगे उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप बाराही कंद को छोटे छोटे काट करके छिलके उतार करके सुखा करके उसका पाउडर कर लीजिए, चूर्ण कर लीजिए। अब इस चूर्ण को प्रतिदिन दूध या शहद के साथ रोज़ाना सुबह शाम खाइए। एक महीना के अंदर में आपकी शरीर में इतना ताकत बढ़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आपकी सप्त धातुओं की पुष्टि होगी, आपकी जो कार्य क्षमता है डबल हो जाएगी, शुक्राणुओं की संख्या भी बढ़ता है दोस्तों इस कंद को खाने से। तो यह बांझपन को भी मिटाता है, घुटनों के दर्द को भी मिटाता है, बुढ़ापा को दूर करता है, आयु को बढ़ाता है, हृदय को बल प्रदान करता है, आँखों की रोशनी तेज करता है, दिमाग तेज करता है, हड्डियों में नया जान आ जाता है क्योंकि इसमें कैल्शियम का भंडार होता है। और जब शरीर में प्राकृतिक रूप से कैल्शियम पूर्ति हो जाए तो आपका शरीर का काया पलट जाता है। शायद आप लोग को पता नहीं है कैल्शियम की कमी के वजह से ही अनेक प्रकार के जो सूजन होते हैं, दर्द होते हैं, वह पैदा होते हैं। और जब कैल्शियम शरीर को मिलने लगता है तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, वीर्य हर चीज़ बढ़ने लगता है। इसलिए अगर एक माह सेवन कर लेते हो इसका पाउडर या इस कंद को, किसी भी रूप से आप खा सको लेकिन खाओ ज़रूर, तो आपकी काम शक्ति में वृद्धि होगा और कभी भी कमजोरी के आप शिकार नहीं हो रहेंगे। हमेशा जंगली आदिवासियों की तरह हष्टपुष्ट और फुर्तीले रहेंगे, यह मेरा वादा है आपसे। आप मेरे कहने पर एक बार इस वाराही कंद का सेवन करके देखिए, आप जरूर हर किसी को बताना चाहोगे, इतना ताकत का खजाना है यह वाराही कंद। तो दोस्तों आज मैंने आपको वाराही कंद की जो जानकारी थी, विशेष जानकारी, उसे बता दिया। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।